देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद के गांव गोठड़ा मोहब्बताबाद में उस वक्त सनसनी मच गई जब बीती रात को किराए के मकान में रहे एक व्यक्ति और दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमले के दौरान एक बच्चे को भी चोटें आई हैं, जिसको निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही धोज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाए। फिलहाल पुलिस अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मामले की तो अभी तफ्तीश जारी है। तीन आदमियों के मर्डर हुए हैं, जिनमें दो लेडीज है एक जेंट्स है, और तीनों ही किराए पर रहते थे। पीछे एक रहने वाला पानीपत का है, एक NIT का है, दो आदमी लेडीज दोनों NIT की है। क्या नाम है सर, कितनी उम्र है इन सबकी? सबका नाम जन शर्मा है, इसकी 36 साल उम्र है। एक सुमन है, इसकी 47 साल उम्र है, और एक आयशा लड़की है, इसकी 31 साल उम्र है। कोई बताया जा रहा सर इसमें कोई घायल भी है? घायल एक लड़के का लग रही है चोट, वो एशियन हॉस्पिटल में है, भिजवा दिया गया है, और बाकी तफ्तीश जारी है। अभी से किस वक्त की घटना है ये? करीब 3:15 बजे के लगभग सूचना मिली थी हमें। क्या कार्रवाई चल रही है सर, क्या लग रहा है क्या पुरा ये पुरा कोई आपसी रंजिश नहीं है ऐसा दिन लग रहा है, बाकी तो तफ्तीश से पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। अभी तक परिवार वालों कुछ कहना था? परिवार वाले नहीं थे ना वहाँ, परिवार वाले बाद में आए हैं, ये तो अपने किराए पर रहते थे। पुलिस की माने तो ये सुबह 3 बजे के करीब की वारदात बताई जा रही है, जिसमें दो महिलाओं समेत एक व्यक्ति को गोली मारी गई है और शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। मौके पर फोरेंसिक की टीम ने पहुंचकर तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है और पुलिस परिजनों के बयान दर्ज कर जांच में जुट गई है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।